गुड मॉर्निंग। तो आज की जो सुबह हुई है वो कुछ अलग हुई है। हम सोसाइटी वाले सब लोग अभी जा रहे हैं बाहर घूमने के लिए, जो कि काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। और अभी आप लोग पीछे हा हा ही देख पा रहे होंगे, क्योंकि वो हमारा ग्रुप है। सब लोग जा रहे हैं यहाँ मुंबई से नज़दीक करजत में। वेव करो। सो गर्ल्स ऑल एक्साइटेड? हाउ मच? हाय, बाय द वे किधर जा रहे हैं हम लोग? सगुना बाग। ओके, सगुना बाग जा रहे हैं हम लोग अभी, जो कि आया है करजत में, मुंबई के बहुत ही नजदीक है। गणपति बाप्पा, बोल श्री अम्बे मात की जय। मर जाए, मिट जाए, हो जाए बदनाम। नशा ये प्यार का नशा है, ले मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो ना होश में दीवानो। टंग टंग गोबल गोबल वाला फाइनली हम लोग अभी सगुनाबाद आ गए हैं। बहुत ही अच्छी और एकदम काम प्लेस है। नेचर का आनंद लेना है तो ज़रूर से इधर आना चाहिए, मुंबई की लाइफ से दूर। इधर ये गांव का पूरा बनाया गया है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ है। तो अभी तो जस्ट हम आए हैं, अभी देखते हैं क्या करना। यहाँ पर सारी डिटेल्स की दी गई है, साइकिलिंग करना है आपको, आर्चरी करनी है, या फिर एयर राइफल शूटिंग भी करना है। ये सारी पेड एक्टिविटीज़ है जो कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करके करनी है। ज़िपलाइन भी है यहाँ पर, और यहाँ पर है साइकिलिंग। हम झूलेंगे, काफ़ी नीचा है वैसे, देखते हैं। हाँ चलेगा चलेगा चलेगा। हाँ इधर मेरा बैग भी गिर गया है। झूले के चक्कर में बैग गिर गया, बट चलता है। काफी दिनों बाद ऐसे झूले पे बैठी हूँ, हाँ झूल रही हूँ। इधर यहाँ पर इतनी गर्मी नहीं लग रही है, तो मुंबई के कंपैरिजन में डेफिनेटली यहाँ पर काफी अच्छा माहौल है, सुकून वाला माहौल है। सफेद कलर का ये रहा, देखती देख देख, हाँ ब्रेकफास्ट के लिए थोड़ा सा टाइम बाकी था, तो हम लोग यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं सगुना बाग को। बहुत ही अच्छी अच्छी अलग अलग वैरायटी वाली चीज़ें यहाँ पर रखी गई है। कुछ चीज़ें हैं जो कि सेल के लिए भी है, वेजिटेबल स्टॉल भी है यहाँ पर, और डिफरेंट डिफरेंट फार्मिंग की एक्टिविटीज़ भी रखी गई है। यहाँ इस तरफ आगे बनाया गया है उनका डाइनिंग एरिया, काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर फैन भी प्रोवाइड किया गया है। तो ब्रेकफास्ट है, लंच है, हाई टी है, सारी चीज़ों के लिए आपको यहीं पर आना है। यहीं पर आके आराम से आप अपना खाना खाइए। तो हम लोग भी इधर आ गए हैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए। वो गलत समय में मत रहना, इधर लाइन में खड़े रहते हैं। अमेर ठाकुर की लाइन रही ना पीछे है। ब्रेकफास्ट काउंटर पे अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं आज के खाने में क्या क्या चीजें इधर रखी गई है। और सुबह से जो चल दिए थे, तो हम लोगों ने रास्ते में जरा भी ब्रेक नहीं लिया, सीधा ही हम लोग यहाँ पर आज गए सगुना बाग में। तो अभी यहाँ पर जो चीजें रखी गई है,
उसमें है सबसे पहले है मिसल पाव और साथ ही में है साबूदाना खिचड़ी जो कि हम सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मिसल पाव भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं था, दिखने में थोड़ा था कि तीखा रहेगा बट हाँ नॉन स्पाइसी था तो अच्छे से सब लोगों ने एंजॉय किया है। उनका जो ये ब्रेकफास्ट का सिस्टम रहता है वो डिफरेंट रहता है, एवरीडे उनका मेनू चेंज होता है। तो आज के दिन का लिए जो उन लोगों ने बनाया था वो था मिसल पाव एंड साबूदाना खिचड़ी और ये सारी चीज़ें अनलिमिटेड होती है। तो पहले आप लेके बैठ जाइए और फिर वो लोग आपको टेबल पे आके सर्व करते हैं जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लंच के टाइम पर भी सेम हुआ था, उन लोगों ने टेबल पर आके हमको बाद में सर्व किया था। और यहाँ पर रखी गई है चाय और कॉफ़ी। फाइनली जो ब्रेकफास्ट करने का था वो अभी हम लोगों ने खत्म कर लिया है, काफी अच्छा था। मिसल पाव साबूदाना खिचड़ी दोनों चीजें बहुत ही अच्छी थी, ज्यादा स्पाइसी भी नहीं था, सो रिकमेंडेड। अभी शुरू होगी हमारी एक्टिविटीज जिसके लिए हमारे जो गाइड है वो हमको मिलेंगे और देखते हैं वो हमको पहले किधर लेके जाते हैं, कौन सी वाली एक्टिविटी करवाते हैं। पानी का बॉटल, हाँ सिर्फ देखने के लिए। अच्छा, अरे जाते वक्त ले जा सकते हैं, अभी ले जा सकते हैं। ये है गांव का असली देसी नींबू, नहीं स्वीट लाइम बोलते हैं, नहीं वो मौसम भी रहता है, नहीं पर ये जो है ना गांवटी नींबू है ना ये अच्छा रहता है। और ये इधर के चीकू बहुत अच्छे होंगे। हाँ हाँ बहुत अच्छा। ओए मम्मी, ये देखिए मेरे पीछे क्या है, ये है ऑस्ट्रिच। ये काटता है भैया, काटता है, नहीं काटेगा तो उसको टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, ये ऑस्ट्रिच है ना, ऑस्ट्रिच है। हाँ यहाँ पर है हमारे गाइड भैया जो कि हमको लेके जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? अजय जी। ओके, देखोगे वहाँ पे जो बड़ा सा नेट होता है वो डाला जाता है तालाब में, मैग्नेटिक फिशिंग किया जाता है, उसमें जो बड़े फिश होते हैं बाहर निकल के दिखाए जाते हैं, अगर किसी को टच करना होगा तो टच भी कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास छोटे बच्चे लोग जो है। क्या है भैया ये? ये चोली है। चौली, चौली की चौली। ओके, मतलब ये जो लंबी लंबी, ओ ओके वहाँ दिख रही है, क्या है ये? चौली, चौली, हाँ हाँ हाँ, पतली वाली, हाँ हाँ हाँ, लंबी वाली। जब जैसे पूरे बनते जाते हैं वैसे उसमें बीज बनते हैं। ओके, तभी वो निकाल के खाने के लिए यूज करते हैं, वैसे ये भी ऐसे भी यूज करते हैं खाने के लिए। सब्जी बनाने हम बनाते हैं इसकी, सब्जी बनाते हैं, ग्रीन ग्रीन चौली, अपने लंबी लंबी। हाँ हाँ, बीन्स नहीं, अभी लंबी। माउंट दिख रहा है, ये मथरन माउंट है। अगर ये हाँ, ये सीधा जो माउंट यहाँ पे दिख रहा है जो व्हाइट कलर का एक अच्छा सा पॉइंटेड दिख रहा है, वहाँ पे एक शिव मंदिर करके है। अच्छा हाँ, दिख रहा है सफेद। हाँ, राइट साइड में अगर आएंगे तो वहाँ पे एक पेप किला करके है, जो भी लोग मथरन साइड में जो ट्रैकिंग के लिए जाते हैं वो ये पॉइंट है। और जो वी शेप दिख रहा है पीछे, ये वहाँ पे एक पीछे की तरफ एक मंदिर है गणपति की, जो बड़ी वाली मूर्ति आपने कभी देखी होगी यूट्यूब पे वगैरह से, तो माथेरान का जो मंदिर है वो साइड में है। अच्छा, इधर ना दूसरा नहीं चलेगा। अच्छा क्या है ये? ये स्मेल आपको पहचान में आ रहा है? नीलगिरी है ना। हाँ, सेकंड वाला नहीं, नहीं अपन बोलेंगे रुको हमारे लिए, ऐसे कैसे नहीं, हम किसी के लिए नहीं रुकते। तो क्या, ये देख मेरा तो पसीना इधर तक आ रहा है, हसीना है। ये वाला जो पैकेज हमने लिया है वो है डे पैकेज, तो जिसमें रहता है सुबह 9 से लेके शाम को 5 बजे तक, और उसमें आपका रहता है ब्रेकफास्ट, लंच एंड हाई टी।
उसके साथ ही वो लोग प्रोवाइड करते हैं एक गाइड जो कि हमारे साथ ही आते हैं। अराउंड 1.5 घंटे का एक एक्टिविटी रहता है जहां पर वो हमको लेके जाते हैं फार्म में। हाँ रात को बोलते हैं वो वाले है। ये देखो ये लोग सब आ नहीं रहे हैं, वहां पर पिक्चर्स ले रहे हैं, वीडियोस उतारे जा रहे हैं, और हमारे जो गाइड भैया है वो आगे आगे चले गए हैं अभी। तो हम 4 जने हैं जो बहुत ही फॉलो करते हैं रूल्स को। हम लोग पिक्चर नहीं, गाइड भैया बहुत नाराज हो के आगे भाग गए हैं। सीरियसली हम लोग अच्छे बच्चे हैं चारों के चारों जो उनको फॉलो कर रहे हैं। ये आ गए सब फोटो खिंचवा के, फोटो वाले फोटो। क्या है ये? जामुन, जामुन, और ये मेरे मुंह में गया। और ये वृषाली है और मैं खा रही हूं। पर मजे लिए जा रहे हैं अच्छे वाले, और यहाँ पर एक हनी भी आ गई है जिससे बहुत ही ज्यादा अभी डर लग रहा है। सब लोग अभी बढ़ चुके हैं, गाइड हमारा वेट कर रहा है, पता नहीं गुस्सा भी कर रहा है, देखते हैं जाते हैं अभी तो क्या। ए अपन के ग्रुप वाले सब आगे रहो अभी, चलो हमारे पास गाइड है हमारे, बट हम लड़कियां हैं जिनको किसी में इंटरेस्ट नहीं है फोटो के अलावा, सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ फोटो लेना है। समझने में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, देखो पीछे सब लोग अपनी मस्ती में चूर है, और 2-3 जने तो सिर्फ फोटो ही खिंचवाने के लिए आए हैं। यहाँ पर है ये सूखी हुई नदी जिसके बारे में कुछ तो लिखा गया है यहाँ पर। ये क्या है? कदम बटरफ्लाई ट्री, ये है बटरफ्लाई ट्री। ये है कोकम का पेड़, और ये रहा पत्ता जिसको हमको खाना है। सब लोग खाया? बोला बेटा खाया क्या? ये है कोकम का पेड़ ऐसे बोलो और से इसको देखो इसे बादाम का है देखा। अच्छा बादाम का पेड़ ये वाला। अच्छा ओके, आपने जो पहले पड़े थे ऊपर भी रेड कलर। ओके ओके इसको क्या बोलते हैं? मलखम। मलखम ओके। क्या है? हाँ रोप। ओके अच्छा वो मलखम है। ओके उनका मलखम का पहला डेमो हमारे सामने हो चुका है। सबसे ऊपर मलखम नमस्ते, नीचे एक दशरथ, बाजू में साई कैसी, सबसे आगे पर पद्मासन, और बीच में चकुरासन। कैमरा अभी मैंने काफी टाइम बाद लिया है, बीच में बैटरी भी चली गई थी। बैठ गए हैं हम लोग अभी खाने के लिए, आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा क्या बचा है मेरी डिश में वही, फिर बाद में वहाँ से भी आपको मैं टूर देती हूँ क्या क्या खाने में है। टेस्ट वाइज काफ़ी डिसेंट है, ज़्यादा तीखा भी नहीं है, तो मॉडरेट है, बच्चे को भी आप अच्छे से खिला सकते हो। यहाँ हमारा जो फार्म का टूर था वो ख़त्म करके हम लोग आ गए हैं लंच करने के लिए। अभी बजे हैं अराउंड 2 से 2:15 के आसपास, और यहाँ पर है हमारा लंच रेडी जिसमें है आज पापड़, रोटी, सैलड, पनीर की सब्जी, साथ ही में है भिंडी की सब्जी जो कि बहुत ही अच्छी है, साथ ही में है अमेरिकन कॉर और दूधी का हलवा और थोड़ा सा अचार। यहाँ पर मिल रहा है पान जो कि भैया बना के दे रहे हैं ताज़ा ताज़ा। मीठा चाहिए तो मीठा, तीखा चाहिए तो तीखा, जिसको जो चाहिए वो। ये देखो मेरी फ्रेंड पान चबा रही है पान बनारस वाला। बस जी अभी हमारा ऑलमोस्ट हो गया है, बहुत ही ज़्यादा थक गए हैं, थकान से भी ज़्यादा ऐसा हो गया है कि जो धूप है कड़ी धूप
उसमें अभी मज़ा नहीं आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, अभी सब लोग परेशान हो चुके हैं, तो अभी सोच रहे हैं कि वापस चलते हैं या तो फिर कोई एक्टिविटी करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर अरेंज किया गया है, मैजिशियन को बुलाया गया है, तो उसके लिए सारे लोग अभी इधर बैठ गए हैं। हम लोग थे, हमको इंटरेस्ट नहीं था उतना, क्योंकि हम लोग हमारी मस्ती में ही थे, तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना था, तो हम लोग बस बैठे रहे। और फिर अभी हम लोग निकल गए हैं जाने के लिए सगुना बाग से वापस। और जाने से पहले हमको दिख गया ब्लॉक कार्ट, तो सोचा कि क्यों ना ये एक्टिविटी भी कर ली जाए। ये अलग से है, पेड एक्टिविटी है, बट चार्जेस बहुत ही रिजनेबल है, 30 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ पर है ये वाली ब्लॉक कार्ट। भैया क्या चार्जेस है ब्लॉक कार्ट? हाँ, पर सीट 30 रुपए। हम 10 जने आ जाएंगे, 5-5 का। अच्छा, बैठ गए हैं हम लोग अभी ब्लॉक कार्ट में, और कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा है। पहली बार बैठे और कमर की जो वाट लगने वाली है वो अभी रियलाइज हो रहा है। ओह गॉड, ये हमारे तीन लता, उषा और आशा है, मिलिए इनसे, हाय कीजिए लता, उषा और आशा। अभी आप लोग फिर से बताओ कि सगुना बाग का कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इधर आना चाहिए कौन से सीजन में वो भी बता दो। अप्रैल मई में जरा भी मत आओ। अप्रैल में, मार्च में, मई में बिल्कुल बहुत ही अच्छा रहा, बिकॉज अमेजिंग कंपनी थी साथ में। यस, सो फ्रेंड्स के साथ जरूर से प्लान करो, बच्चों को घर पे छोड़ो, पतियों को पीछे छोड़ो, और अपने लिए टाइम जरूर निकालो। ऑफ कोर्स, अपने अपनी स्पेस निकालो। यस, एग्जैक्टली। अभी जा रहे हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि दोपहर से किसी ने चाय नहीं पी है, और अभी बैटरी उतनी ज्यादा ड्रेन आउट हो चुकी है, तो बस चाय पियेंगे। एक क्विक टूर में आप लोगों को बता देती हूँ, मेरी बस का जो कि हम लोगों ने बुक किया था बहुत ही अच्छा था, प्राइम एग्जीक्यूटिव कोच हमने बुक किया है, और इसका जो एम्बियंस है सब लोग को बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल था। तो इस तरह की हमारी बस थी, इसको भी मैं कैप्चर कर रही हूँ मेरे रेफरेंस के लिए, ताकि हमको भी याद रहे कि हम लोग भी हमारी गर्ल्स गैंग को लेके ऐसी एक अच्छी वाली बस में गए थे पिकनिक मनाने के लिए। तो ये वाला जो सगुना बाग का ट्रिप है वो मैं इधर ख़त्म कर रही हूँ। होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।